नमस्कार दोस्तों, एस टुडे में आपका स्वागत है। ये स्पेशल रिपोर्ट है दिवाली के ऊपर। दिवाली अभी आज जो है वो धनतेरस है, तो आज हम आए हैं सूरज स्ट्रीट में जो बस स्टैंड के ही साथ में खुली हुई है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सूरज स्ट्रीट के ओनर, आइए उनसे जानते हैं इन्होंने क्या खास तैयारियाँ की हुई हैं इस पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो आप सबको दिवाली और भैया दूज की सबको शुभकामनाएं, देश और प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सर कैसा चला हुआ है आज आपका काम? आज ठीक चला हुआ है, हमारी तो सारी शॉप पे ठीक चला हुआ है काम। बाकी हमने जैसे सामान हमारा बन के आ रहा है वैसे सारी दुकानों पे चला हुआ है। ये हमारा स्पेशल स्टॉल हम लगाते हैं दिवाली पे और रक्षाबंधन पे, कि जो कि लोग जो बाहर से बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं उनको परेशानी ना हो। जैसे बस से उतरे हैं उनके बस के स्टैंड के साथ में ही है और यहीं से सामान लेके बंदा बस वापसी ले लेता है, उसको ज़्यादा सफ़र करने की जरूरत नहीं पड़ती इतने रश में। आज दिवाली का धनतेरस का दिवस है तो बहुत रश है, कल भी रश होगा, परसों भी होगा, तो इस रश के चक्कर में हम लोग ये स्टॉल लगाते हैं। और आप भी देख रहे हैं सारी शॉप में हमारे कैसे रश चला हुआ है, वो तो आप देख ही रहे हैं। बाकी देखो, अब देखो कल तक कितना सामान बनता है, चला हुआ है काम सारा। सर कितनी शॉप हैं आपकी यहाँ पे हमीरपुर में? हमीरपुर में बेटा हमारी हम 5 शॉप हैं और रेस्टोरेंट है, और ये जो स्पेशल स्टॉल है ये रक्षाबंधन और दिवाली पे लगाते हैं। जो आपकी बाकी की शॉप है वो कहाँ कहाँ पे? एक शॉप ये हमारी यहीं पे बस स्टैंड के सामने है, एक ऊपर डंक वाले के पास है, एक डंक वाले के उल्ली तरफ डॉक्टर विनोद क्लिनिक के सामने एक है, और 2 नंबर ये बस स्टैंड के पास है, 3 नंबर अमरडेक्स के पास है, और 5 नंबर बोटा चौक पे है। तो सर जैसी आपने उम्मीद रखी थी कि आपको कितना मतलब बेनिफिट होगा, उसी हिसाब से चला हुआ है या काम या नहीं? बेनिफिट के बारे में नहीं सोचता मैं, तो ये सोचता हूँ कि मैं जो मेरे पास इतने दूर से लोग आते हैं मैं उनको खरा उतरूँ और उनको सब जो आते हैं उनको संभाल दे पाऊँ, और यही मेरी कोशिश रहती है। कई बार लोग आके खाली जब चले जाते तो फिर थोड़ी निराशा होती है, जैसे रक्षाबंधन वाले दिन सामान सारा ख़त्म हो गया था और हम लोग खाली बैठे हुए थे। तो ऐसे अब अगर कल का दिन पूरा निकल जाता है ठीक है, दिवाली वाले दिन होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो फिर आराम से बैठेंगे। इस बार क्या स्पेशल बनाया आपने? हम हर बार इस हर बार स्पेशल ही बनाते हैं सब कुछ, हमारे पास हर डे एवरी डे स्पेशल ही होता है। दिवाली पे अब जैसे फेस्टिवल पे हमने 25-30 साइड में और बना देते हैं, जैसे देसी घी की सोन पापड़ी, देसी घी की पिन्नी, देसी घी की और डोडा बर्फ़ी, देसी घी की मूंग दाल की बर्फ़ी, ऐसे करके कोई 50 साइड में तो हम देसी घी की बना लेते हैं। और साथ में ये बादाम वाला पतीसा है, बेकरी के हमने काफ़ी आइटम बना रखी हैं, बिस्कुट डाटे के लिए 1-1 केजी के पैक बनाए हैं, बादाम वाले, काजू वाले और खताई टैप, ऐसे ही और भी गिफ्ट पैक हमने बनाए हुए हैं जो कि अब लोग पसंद करते हैं। कई बार सूखी आइटम, अब मिठाइयाँ तो दिवाली पे बहुत हो जाती हैं सबके पास, तो इस बार हमने सूखी आइटमें बड़ी बनाई हैं और ड्राई फ्रूट काफ़ी बिक रहा है। और बाकी जो हमारी मिठाइयाँ रूटीन वाली हैं वो तो आपको पता ही है कि अभी शायद ही कल का दिन चल पाएँ, हुआ मालिक चाहेगा तो कल का दिन, कोशिश हमारी पूरी है भी कल का दिन चलाएंगे, अगर जल्दी ख़त्म हो गया तो फिर बेबस हो जाएगी। सर जैसे आपने करवा चौथ पे किया था कि जो हस्बैंड थे उनके लिए आपने अलग से गिफ्ट पैक करवाए थे, तो इस पर भी कुछ ऐसा है कि बच्चों के लिए अलग से गिफ्ट वगैरह बनवाए हो आपने? हाँ, वो हमने चॉकलेट वाले गिफ्ट बनाए हैं, चॉकलेट और छोटे गिफ्ट बनाए हैं हम बच्चों के लिए, काफ़ी सारी वैरायटी में गिफ्ट बनाए हुए हैं। वो तो आप हमारी बड़ी शॉप जो है ना रेस्टोरेंट वाली, उसमें वैरायटी ज़्यादा लग जाती है, यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं वैरायटी जितनी लगी हुई है। सर जैसे यहाँ पे बहुत सारे संस्थान हैं, काफ़ी मतलब कंपनीज वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे, तो वो ऑर्डर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे उन्होंने मिठाई बांटनी होती, तो कितने ऑर्डर आए हैं आप पास और आपने किए पूरे? वो तो हमारे पास काफ़ी ऑर्डर हैं, जैसे अभी कल से ऑर्डर का ही काम चला हुआ था, किसी का 100 डब्बे, किसी के 200 हैं, किसी के 500 है, किसी के 50 है, किसी के 60, ऐसे करके वो हमने लगभग 80% तो ऑर्डर आज हमारे चले गए हैं, और कुछ थोड़े से जो रह गए हैं 15-20% वो कल 12 बजे तक सब चले जाएंगे, और पूरी नाइट लगेगी आज, उनका सामान पैक होगा क्योंकि उनके कईयों के तो ऑर्डर ऐसे हैं, जैसे कलाकंद के ऑर्डर है, वो कलाकंद तो 2 दिन ही चलती हैं, फिर आज रात को बनेगी और सुबह देंगे तो उनकी आगे 2 दिन चल जाएगी। ऐसे कई आइटम ऐसी हैं जो बिल्कुल ताज़ी ताज़ी पैक करनी पड़ेंगी, तो वो ऑर्डर तकरीबन 80% तो हमने आज बता दिए हैं और कल फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर कल नाइट जो सामान बनेगा
परसों दिवाली वाले दिन 10 बजे तक चले, 11 बजे तक चले, 12 बजे तक चले, पता नहीं, वो तो मालिक जाने। मेरी तरफ से आपका जो एच टूडे परिवार है उसको बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ, और आप पूरे परिवार को फलता फूलता देखना चाहता हूँ। सर, एच टूडे परिवार की ओर से आप सभी को, सूरत स्वीट के जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, वेलकम।